नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यूपी एनएचएम एनम रिजल्ट सेकंड पेंडिंग लिस्ट इस तारीख को होगा जारी। इतने अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए होंगे शॉर्ट लिस्ट। कितने अभ्यर्थियों को जो है दोस्तों शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, जो पेंडिंग लिस्ट पड़ी हुई है किस तारीख को जारी होगी वो हमें बताऊंगा। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। सबसे पहले दोस्तों जितने भी अभ्यर्थी, जितनी भी एनम बहनें फाइनली सिलेक्ट हुई हैं सभी को कांग्रेचुलेशन, और आगे के लिए जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ दोस्तों उसको बहुत ध्यान से सुने। इसके पहले वाले जो है जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सब कुछ बताया हूँ, कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, क्या क्या लगेंगे, अभी कहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके लिए अलग वीडियो बताऊंगा। तो जिन अभ्यर्थियों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित वीडियो नहीं देखा है उसको एक बार जाके देख लें। इसके पहले मैंने आपको जो है सुबह के टाइम में वीडियो अपलोड किया है, बहुत कम अभ्यर्थी उसको देखे हैं, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं यूपी एनएचएम का जो रिजल्ट आया हुआ है दोस्तों, अभी एक लिस्ट आना बाकी है। जो जानकारी मिली दोस्तों मैं आप लोग को वही बता रहा हूँ। बहुत से अभ्यर्थी कह रहे हैं सर मेरा नहीं हुआ है, मेरा देखिए दोस्तों आपका इसमें नहीं हुआ है तो दूसरी लिस्ट जो है आप लोगों को 16 तारीख तक देखने को मिलने वाली है। 16 तारीख से 16 से 20 तारीख के बीच में आपको दूसरी लिस्ट देखने को मिलेगी, और वह भी जो लिस्ट रहेगी दोस्तों वेटिंग लिस्ट रहेगी, ना कि जो है शॉर्ट लिस्टिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रहेगी, वेटिंग लिस्ट रहेगी। जब पहली लिस्ट कंफर्म हो जाएगी आपकी, जितने अभ्यर्थी इसमें से नॉन सेलेक्ट रहेंगे फिर उसी हिसाब से उसमें से अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, इतने से इतने अभ्यर्थियों को। तो दोस्तों जो यह जानकारी मिली है आप लोग को बता रहा हूँ, यह सेकेंड लिस्ट है। कई अभ्यर्थी परेशान हैं, बोल रहे हैं सर मेरा अच्छा नंबर था उसके बाद भी नहीं हुआ। देखिए दोस्तों जब नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू होती है तो अच्छे नंबर भी जो है कम हो जाते हैं। जैसे कई अभ्यर्थियों के से मेरे पास फ़ोन आया, बातचीत हुई, उन्होंने कहा सर मेरा 58 नंबर था कट के 48 नंबर हो गया, 10-10 नंबर का फ़र्क पड़ गया। किसी ने कहा सर मेरा कोविड का जो है नंबर नहीं जुड़ा है। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, हाँ मानता हूँ नॉर्मलाइजेशन में 5 से 7 नंबर का नुकसान हुआ है अभ्यर्थियों का, बहुत से अभ्यर्थियों का, क्योंकि जो पेपर शिफ्ट आया था, जो पेपर आसान आया था जिस शिफ्ट का, उस उन अभ्यर्थियों का नुकसान हुआ है, टफ वाले अभ्यर्थियों का फ़ायदा हुआ है दोस्तों। और पेंडिंग लिस्ट जो रहेगी वेटिंग लिस्ट रहेगी उसमें दोस्तों, और आप अपना नाम देख सकते हैं, अगर 1 नंबर 2 नंबर से आपका रुका है तो ज़रूर आपका वेटिंग लिस्ट में नाम रहेगा, और वेटिंग लिस्ट 100% क्लियर होगी। बहुत से अभ्यर्थी नाराज़ भी हैं, नाखुश हैं, कह रहे हैं सर आज तक वेटिंग लिस्ट कभी एनएचएम ने नहीं क्लियर किया है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोग को बता रहा हूँ, यह जिस एजेंसी ने परीक्षा कराया है उस एजेंसी का यह काम है दोस्तों परीक्षा कराना, रिजल्ट देना, और एनएचएम का काम है टोटल सीट को भरना। तो यह दोस्तों आदेश दिया गया है कि एक भी सीट खाली नहीं जानी चाहिए। जितनी भी सीटें हैं, चाहे जनरल की सीटें हों, चाहे ओबीसी की सीटें हों, चाहे एससी की सीटें हों, चाहे ईडब्ल्यूएस की सीटें हों, फ्रीडम फाइटर की हों दोस्तों, दिव्यांग की सीटें हों, कोई भी सीट बचनी नहीं चाहिए। अगर दिव्यांग में अभ्यर्थी मिलते हैं तो ठीक है, नहीं मिलते हैं उनको जो है कैटेगरी के अनुसार या जनरल के अभ्यर्थी या किसी भी हिसाब से उस सीट को भरा जाएगा। जैसे आपने यूपी ट्रिपल एससी एनम में देखा है दोस्तों सीट खाली नहीं जानी है, इसलिए मैं आप लोग से बता रहा हूँ कि आप लोग परेशान ना हो। दूसरी लिस्ट जैसे ही आएगी आप अपना नाम उसमें चेक कर लीजिएगा। वेटिंग लिस्ट 100% क्लियर होगी दोस्तों, क्योंकि हर ज़िले में एनम जेनम डॉट सेंटर सीएससी पीएससी पर इतनी ज़्यादा मांग है, वहाँ पर एम्प्लॉयर कम हैं, एक ही अभ्यर्थी पे लगभग जो है एक ही कैंडिडेट पर जो एक ही एम्प्लॉयर वहाँ पर हैं उन पर इतना ज़्यादा काम का बोझ है जिससे काम नहीं हो पा रहा है। आप लोग देख ही रहे हैं कि इसके पहले सरकार ने शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दिया था, आज भी शिक्षा पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन अब जो है लाइन जो है एकदम क्लियर हो गई है। अब इनका काम है कि स्वास्थ्य को सुधारना, क्योंकि दोस्तों जब हॉस्पिटल में कर्मचारी रहेंगे तभी जो है स्वास्थ्य सुविधा जो है दुरुस्त होगी। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि 5873 जो पोस्ट
फाइनली हुए हैं दोस्तों, इसके बाद भी वेटिंग लिस्ट आप लोगों को, सेकेंड लिस्ट आपको देखने को मिलेगी जो पेंडिंग लिस्ट है, 16 तारीख तक, 16 से 20 तारीख के बीच में वह भी जारी हो जाएगा। और अभ्यर्थी बार बार कमेंट के माध्यम से पूछ रहे हैं सर कब तक जो है ज्वाइनिंग होगी, क्या होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। देखिए दोस्तों, ज्वाइनिंग आप लोगों की दिसंबर माह में हो जाएगी, चाहे फार्मासिस्ट के अभ्यर्थी हों चाहे एएनएम के अभ्यर्थी हों, क्योंकि अगला अब प्रोसेस है जो फ्रेश लिस्ट शॉर्ट लिस्ट आने वाली है, लगभग 7800 पोस्ट से ऊपर है, वह है स्टाफ नर्स की, उसका भी रिजल्ट आप लोग को 16 से 20 तारीख के बीच में देखने को मिलेगा। और उसी दरमियान जो है दोस्तों एएनएम का जो है स्कोर कार्ड भी जारी होगा, तो आप स्कोर कार्ड के माध्यम से भी देख लेंगे। बहुत से अभ्यर्थी अपना नाम नहीं ढूंढ पा रहे हैं, कह रहे हैं सर इतनी ज़्यादा लंबी लिस्ट है, लगभग इतने ज़्यादा पेज का है, उसमें हम कैसे ढूंढें, सर्च नहीं कर पा रहे हैं, सर्च पे नहीं आ रहा है। तो आप घबराएं ना दोस्तों, जैसे आप दूर दराज से सेंटरों पर परीक्षा देने गए थे उतना समय बिताए हैं, तो आप एक एक अनुक्रमांक, एक एक जो है, सॉरी अनुक्रमांक नहीं दोस्तों, उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है, एक एक नाम अपना चेक करिए, नाम के आगे पिताजी का नाम दिया गया है वह चेक करिए, जिस प्रोग्राम में आपने फॉर्म अप्लाई किया था सबसे पहले आप प्रोग्राम में जाइए, वहाँ से आप अपना चेक करिए। कल के कमेंट में कई अभ्यर्थियों ने कहा कि सर मेरा नहीं नाम है, नहीं नाम है, मैंने कहा आप लोग एक बार फिर से रीचेकिंग करिए। तो दो तीन अभ्यर्थी जो कमेंट किए थे उनमें से उन्होंने कहा सर मेरा तो हो गया है, दो प्रोग्राम में हुआ है। बहुत अच्छा लगा दोस्तों, बहुत खुशी हुई सुनने के बाद। बहुत से अभ्यर्थी कह रहे हैं कि सर आपके पढ़ाए ही हुए ही जो है मार्गदर्शन से हम लोगों ने पढ़ा, समय नहीं मिला था, बहुत कम समय था, और मैं फाइनली सिलेक्ट हो गई हूँ। तो दोस्तों उन सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई हो। और दोस्तों इसके साथ में जो भी अगली अपडेट रहेगी मैं आप लोग को बताऊँगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से अभी कुछ और जो है बातें रह गई हैं, उसको मैं आप लोग को वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। जैसे बहुत से अभ्यर्थी कह रहे हैं कि सर मेरा कुमारी लगा था, बहुत से अभ्यर्थी कह रहे हैं सर पिताजी के नाम में कुछ जो है गड़बड़ी हो गया, स्पेलिंग गलत हो गया है, या EWS का प्रमाण पत्र जो था उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई है। तो दोस्तों आप लोग एकदम घबराए ना, सारी समस्या का हल मैं आप लोग को वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। बस आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे सभी अभ्यर्थियों तक यह अपडेट पहुँच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।